अररिया के फॉरबिसगंज को हाईवे से जोड़ने वाली महिला कॉलेज सड़क और नाला का शिलान्यास होने से लोगों में उत्साह है। 1,73,00,000 की लागत से सड़क और नाला का निर्माण कार्य होगा, जिसकी मांग लंबे समय से हो रही थी। स्थानीय विधायक विद्यासागर केसरी ने समारोह पूर्वक में इन कार्यों का शिलान्यास किया है। इस मौके पर नगर परिषद की मुख्य पार्षद वीणा देवी, उप मुख्य पार्षद नूतन भारती मौजूद थीं। इस मौके पर विधायक ने कहा कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान फॉरबिसगंज को जिला बनाने, भारत चीन युद्ध के समय बने हवाई अड्डा को पुनः शुरू करने, परमान नदी पर बनने वाले बांध से उत्पन्न होने वाली समस्या, नहरों पर जो बसावट है वहां करवट का निर्माण समेत कई मुद्दों को रखा गया है। 2018 से इस पर जो है, जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ के बाद में जो है इसकी उपयोगिता समझ में आई कि इस रोड को बनाना बहुत जरूरी है। तो नाला और रोड जो है ये राजकोष योजना से इसको जो है क्रियान्वयन करने का जो है विधानसभा से इसको पास करवाया गया था, और इसको जो है इसके चौड़ीकरण करना था, इस रोड को जो है डबल रोड में कन्वर्ट करना था। लेकिन जो ये बना एस्टिमेट में जो है जिस तरीका से जो है रोड की जो है क्षमता थी, उस रोड का जो है चौड़ाई के हिसाब से फिर जो है रिवाइज एस्टिमेट बना, जिसका प्राकलन राशि जो है 1,76,00,000 रुपया के आसपास में जो है नाला और पटेल चौक तक बनना है। इस तरीका से 16 रोड जो है और राज्य योजना के तहत जो है विधानसभा में मामला को लाया गया है, और 16 रोड जो है और बनेगा, और शेष रोड जो है नगर परिषद से यहाँ की माननीय जो नगर पार्षद मुख्य पार्षद हैं वो अस्थाई समिति में पास कर करके जो नगर विकास मंत्रालय के माध्यम से जो नगर बोर्ड को आएगा उससे जो है अन्य रोडों की जो है संरचना दी जाएगी। जो मुख्य मार्ग जो है, मुख्य मार्ग को लेकर के 16 रोड जो दिए गए थे, जो RCD से जो है RWD जो नगर परिषद की जो रोड थी, तो हम लोग यह दिए थे कि RCD से RCD को कनेक्टिविटी उसका मिल जाए। RCD से कनेक्टिविटी जैसे ये NH से जो है उधर से चले जाए, आपको कस्टम वाला NH से चले गया RCD का रोड, RCD में चले जाएगी। उसी प्रकार से जो है पटेल चौक के पास से ये जो सब हॉस्पिटल रोड वाली जो रोड आ रही है वो RCD की रोड है, उसकी कनेक्टिविटी यहाँ से, और फिर RCD की रोड जो है वहाँ पोस्ट ऑफिस चौक पर जो कनेक्ट होता है उससे चले जाए, फिर RCD की रोड जो है जो सुभाष चौक पर है उसकी कनेक्टिविटी जो है उधर से होकर के कोठीघाट होकर के और SK रोड होकर के फिर शहर के मुख्य मार्ग में शहर का चले जाए। इस तरीका से RCD का हम लोग सोचे हैं कि कम से कम 12-14 रोड जो है RCD से जो है मिल जाता है, तो भविष्य में जो है नगरवासी को जो है पैसे की कोई किल्लत नहीं होगी, चूँकि पथ निर्माण विभाग के पास में प्रचुर मात्रा में पैसा होता है और नगर के लिए जो है काफ़ी है इतना पैसा। मुख्य मार्ग जब बन जाएगा तो कनेक्टिविटी जो गलियों का जो सड़क है गली नली योजना के तहत जो बनना है वो नगर परिषद से भी बनाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास है, आगे उसका सफल रिजल्ट मिलेगा। टाउन हॉल का जो है जो निर्माण होना है उसके लिए विधानसभा में मामला को लाए थे, तो 2 टाउन हॉल के लिए जो है दिया गया है, 1 जोगबनी में और 1 जो है फारबिसगंज में। उसका जमीन का सिर्फ चयन करना है, हम लोग मुख्य पार्षद जी को बोले हैं कि आप जमीन का चयन कर लीजिए, तो 2,73,00,000-74,00,000 की राशि से जो है वो सम्राट भवन का भी जो है भवन बनेगा टाउन हॉल के हिसाब से। अगर यदि जमीन की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी तो 5-5.5 करोड़ की राशि से भी जो है टाउन हॉल का निर्माण होगा। इस तरीका से स्टेडियम का को बनाया गया है, आपको बस स्टैंड को यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन नगर में जितने कार्य बाकी हैं हम सब मिल कर करके, नगर पार्षद की मुख्य पार्षद हैं, उप मुख्य पार्षद हैं, हम लोग हैं अस्थाई समिति के जो सदस्य हैं, सब मिल कर करके हम लोग काम करेंगे, और नगर में जो भी परेशानी खड़ी होगी उसको हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक को सुरक्षा दे सकें।